आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस को लेकर रेल प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 4 लोगों को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से जिला अस्पताल आइसोलेशन वार्ड पहुंचाया गया, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। विदेशों से वापस लौटने वाले या फिर वापस लौटने वालों के संपर्क में आने वालों पर सरकार की पैनी नजर है। हर एक सूचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली से आगरा आने वाली कांगो एक्सप्रेस की S6 बोगी में 3 लोगों के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने की सूचना मिली थी। दिल्ली से मिली सूचना के बाद रेल प्रशासन चौकन्ना हो गया। जिला प्रशासन को सूचना दी गई। तत्काल ही आनन फानन में 2 एम्बुलेंस आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया तुरंत ही कि बोले कि के भाई बाहर ढूंढो, ये करो वो करो। इनका मोबाइल नंबर लेकिन था, तो मोबाइल पे जैसी बातचीत की तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया और बताया कि हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बुकिंग ऑफिस के पास ये लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ हम लोग आए दौड़ के, फिर हाँ ये लोग दुबई से बता रहे थे कि हम लोग दुबई से आए हैं। देखिए बहुत प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वो प्रिवेंट करने के लिए आगरा बहुत आगे है, रेल प्रशासन बहुत आगे है, DM हमारे आगरा के बहुत आगे हैं, प्रदेश बहुत आगे, देश बहुत आगे है, और सबको इस प्रिवेंशन को लेके, बहुत रोकथाम को लेके बहुत ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इट इज़ गुड फॉर द कंट्री और फॉर द नेशन। Before that, we have just watched that some countries have having that much issue, and in India we have see that there is so much awareness actually, and I'm appreciate that. 3 लोगों में 2 माँ बेटी हैं, जबकि 1 अकेली लड़की है। माँ बेटी मदिया कटरा की रहने वाली है, जबकि लड़की आगरा कैंट साउथ रेलवे कॉलोनी की रहने वाली है, जो कि रेल कर्मचारी की पुत्री है। ऐसा बताया गया है कि तीनों दुबई से दिल्ली आए थे और उसके बाद कांगो एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से आगरा कैंट पहुंचे। कोरोना वायरस की आगरा कैंट पर लगी थर्मल स्क्रीनिंग टीम ने मामला नॉर्मल पाया। चूंकि तीनों लोग दुबई से आए थे, इस लिहाज से तीनों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया। युवती और युवती के पिता का कहना था कि मामला कुछ नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से वो जांच कराने के लिए जा रहे हैं। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमने गए थे। जांच कराने ले जा रहे हैं। हाँ, जांच कराने ले जा रहे हैं। सभी सबको जांच करानी चाहिए, जिससे और किसी को ना ये परेशानी हो, बाई चांस अगर हो भी तो। हाँ, एक बच्चा भी उनके साथ, दो लोग थे, लेकिन उनकी ऐसे, जैसा कि उनका कहना था कि हमारी स्क्रीनिंग दिल्ली में भी हुई है और एरोप्लेन पर जब बोर्ड करते समय उस समय भी हुई है। फिलहाल फिर भी हम लोग उसको सिविल हॉस्पिटल भेज दिए हैं, वहाँ फर्दर और चेकअप हो जाएगा। हालांकि स्टेशन की स्क्रीनिंग में वो निगेटिव था। 9 साल के एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर की गई थर्मल स्क्रीनिंग में 9 साल के बच्चे का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। बच्चा अपने पिता के साथ था। बच्चा बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ट्रेन के माध्यम से पहुंचा था। बच्चे को पिता के साथ एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया। रेलवे ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विशेष टीम बनाई है। यह विशेष टीम विदेशी यात्रियों पर नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार कितनी चौकन्नी है, रेल प्रशासन कितना चौकन्ना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 लोग जो कि दुबई से दिल्ली पहुंचे थे और कांगो एक्सप्रेस के द्वारा दिल्ली से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, तीनों लोगों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जैसे ही तीनों लोग कांगो एक्सप्रेस से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे, तत्काल ही रेलवे प्रशासन द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई। जिला प्रशासन की टीम आई और तीनों लोगों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ले गई है। हालांकि कोरोना वायरस का मामला नहीं है, क्योंकि ये तीनों लोग दुबई से आए थे, इस लिहाज से अपनी जाँच कराने के लिए जिला अस्पताल पहुँचे हैं। ये एक जागरूकता वाली बात है, लोगों को बचना नहीं चाहिए बल्कि बचाव के तमाम सारे उपाय करना चाहिए, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सके। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।